आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ये आपने 9th में पढ़ा है, डिफरेंट फिगर्स के सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स हमने फाइंड किए थे। यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के सरफेस एरियाज और वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा बेसिक रिवाइज करते हैं। अलग अलग डिफरेंट फिगर्स के वॉल्यूम और सरफेस एरियाज के फॉर्मूला डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले बात करूँ तो क्यूबॉइड से शुरू करते हैं। 9th में पढ़ा हमने क्यूबॉइड की शेप क्या होती है, फिगर का नाम क्यूबॉइड पर से ऊपर सीरियल नंबर, ये आया हमारे पास सीरियल नंबर, इसका नेम ऑफ फिगर, नेम ऑफ फिगर हम लेते हैं क्यूबॉइड। नेक्स्ट इसकी शेप कैसी होती है, क्यूबॉइड की शेप क्या होती है, आप इसको रूम की भी एग्जांपल दे सकते हैं, अपने क्लासरूम की एग्जांपल दो, ब्रिक से शेप में होती है, ये शेप होती क्यूबॉइड की शेप। और इसमें सरफेस एरिया दो टाइप के सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, फिर उसके बाद कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया और लास्ट में वॉल्यूम। तो ये इसकी शेप आई, सरफेस एरिया किसके बराबर आता है इसका, 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। और इसका कवर सरफेस एरिया किसके बराबर आएगा, 2 इंटू कवर सरफेस में ऊपर वाली, ऊपर वाला सरफेस से भी खाली, नीचे वाले सरफेस से भी खाली होगा, तो ये किसके बराबर आएगा, 2 इंटू लेंथ हाइट प्लस ब्रेड्थ हाइट, 2 इंटू लेंथ हाइट प्लस ब्रेड्थ हाइट। या आप यूँ ले लें किसी भी रूम जो रेक्टेंगुलर शेप को उसके ऊपर वाली रूफ और नीचे वाली बेस इनको छोड़ के जो फोर वॉल्स है उनके एरिया, उसको क्या बोलते हैं, कवर सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम किसके बराबर आता है इसका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम को कहूँगा। नेक्स्ट क्यूब, क्यूब ये क्यूबॉइड ही होती है, एक ऐसी क्यूबॉइड जिसकी चार तीन डायमेंशन सेम हो, लेंथ ब्रेड हाइट सेम हो, तो वो क्या बन जाती है क्यूब। क्यूब की आप एग्जाम्पल आप डाइस ले सकते हो, डाई ले सकते हो, क्यूबिकल शेप में होती है ये इस तरह से, ये शेप इसकी क्यूब की। इसमें छोटे सत्ती से इसके बराबर आएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर के बराबर 4 इंटू साइड स्क्वायर इसका कवर सरफेस एरिया और साइड क्यूब ये इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है। तीसरा आएगा सिलेंडर या राइट सर्कुलर सिलेंडर लिखते हैं सिलेंडर, तो सिलेंडर में शेप, ये शेप होगी सिलेंडर की, इस सिलेंडर शेप। और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr(r+h), टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला r इज द रेडियस ऑफ द बेस, h इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, और कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr(h) के बराबर, और इसका वॉल्यूम होता है πr² πr²h, ये इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला। नेक्स्ट इज कोण, ये इसको राइट सर्कुलर कोण भी लिख सकते हो, कोण शेप ये इसकी, ये हाइट ये रेडियस ऑफ द बेस, और इसको हम स्लांट हाइट एरर लिखेंगे, दिस इज हाइट दिस इज रेडियस ऑफ द बेस। तो इसका टोटल सरफेस एरिया आता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, आर प्लस एल या एल प्लस आर एक की बात है, पाई आर एल इसको कवर्ड सरफेस एरिया और 1/3πr²h इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो इसमें, लेकिन ये एल एल को देखो, वेयर एल क्या है, एल स्नॉट हाइट और एल इसके बराबर होता है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रेडियस को स्क्वायर प्लस हाइट को स्क्वायर, इसका कोण रूट के लिए आपके पास स्नॉट हाइट
sphere का sphere की shape जो कि हमारी आपकी spherical shape में है या किसी ball की example ले सकते हो sphere, तो इसमें जो total surface area इसके किससे ज़्यादा रहेगा 4 by r square, इसमें total surface नहीं होता है और इसका volume क्या आएगा 4 by 3 by r cube, इसके volume का formula और last में है m square हम इसके भाग भाग इसके बाद कोई भी बार होता है उसके इसमें ये हम इसके कुछ ये बाकी इसमें टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा सॉरी टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर इसके टोटल सरफेस एरिया इसमें ऊपर वाली सर्कल बेस की इंक्लूड होती है और सॉलिड सरफेस एरिया आएगा इसका पाई स्क्वायर के बराबर और इसका वॉल्यूम होता है 2 बाई 3 पाई आर क्यूब। इसके अलावा हम एक और सॉलिड यहाँ पर पढ़ेंगे दैट इज कस्टम ऑफ द कोन, बट वो हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इन सॉलिड के बेसिस पे जो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स बनेंगे उनका हम सरफेस एरिया वॉल्यूम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला इसमें टॉपिक है वो सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है। अगर सॉलिड से कॉम्बिनेशन सॉलिड फॉर्म होता है उसका सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन यहाँ से इसका हेमिस्फेरिकल ठीक है, तीन सारे से ये बना हुआ है कॉम्बिनेशन से। तो इसका जो सरफेस एरिया किसके बराबर आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड, ये न्यू सॉलिड है टोटल सरफेस एरिया सॉलिड और ये सॉलिड टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर आएगा, सीएस ऑफ वन हेमिस्फेयर इसका ग्राउंड सरफेस, क्योंकि ये तो इसके साथ जब जुड़ा हुआ है इस जो टोटल ये सॉलिड है इसका कवर सरफेस ही हेमिस्फीयर का यूज हो रहा है इसमें, मैं बोल रहा सी एस एस, सी एस एस का कवर सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट हेमिस्फीयर प्लस इसका सेंटर का कवर सरफेस ही यूज हो रहा है, ये वाला सरफेस तो इसमें है ही नहीं, ये तो अंदर चले गया। तो सी एस एस ऑफ सेंटर कवर सरफेस एरिया ऑफ सेंटर प्लस जो दूसरी स्फीयर इसका सी एस ए और सेकंड हेमिस्फीयर दूसरे हेमिस्फीयर का भी इसमें सी एस ए यूज होती है, हमारे पास इसका टोटल सरफेस एरिया जो सॉलिड जब भी तो अलग अलग सॉलिड कॉम्बिनेशन जो सॉलिड बनेगा उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, तो डिफरेंट सॉलिड्स का टोटल सरफेस एरिया उसका सम करेंगे। नेक्स्ट एक इसी के बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सर्टेन क्यूबॉइड, इन से जो क्यूबॉइड बनती है उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। दो हमने क्यूब लिया और एंड टू एंड जॉइन किया, उससे जो
क्यूबॉइड फॉर्म हुआ, उसका सरफेस एरिया क्या होगा? इस तरह से देखो हम दो क्यूब्स एंड फ्रेंड जाएंगे, यहाँ पे क्यूब्स बनाते हैं, दो हमें क्यूब चाहिए। इनको एंड पॉइंट जब जाएंगे तो ये संख्या बढ़ेगी, इनको जब बुलाया नीचे देखो फॉर्म होगा, ये क्यूब आई बनेगी। ये क्यूबॉइड फॉर्म है, इन दोनों पे ऐड करते जाएंगे क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड का हमें क्या फाइंड करना है? इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज कौन सी है? ये दैट इज 13.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, इन दोनों क्यूब्स का वॉल्यूम हमारे पास दिया गया है। वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब किसके बराबर है? 64 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, विच इंप्लाइज दैट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? साइड का क्यूब इज इक्वल टू 64 के बराबर, 64 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर उसके the dimensions dimensions of the resulting cuboid are required by dimensions से dimensions के आगे। अब इसकी length कितनी बनेगी? 4 यहाँ से length, और यहाँ से टोटल इसकी लेंथ कितनी बन गई? 8 सेंटीमीटर के बराबर। हाइट तो सेम ही रहेगी और इसकी विड्थ और हाइट सेम रहेगी, इसकी लेंथ चेंज जाएगी। क्यूबॉइड की लेंथ 8 सेंटीमीटर के बराबर आएगी। क्यूबॉइड विल बी 8 × 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, ये आएगी इसकी डायमेंशन। तो अगर ये इसके डायमेंशन हैं तो उस केस में क्या आ जाएंगे? सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, देयरफॉर सरफेस जो इस फॉर्म में लिखा होता है ये लेंथ ब्रैकेट है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड हमने फाइंड करो तो फॉर्मूला यूज करो क्या होता है? 2 × लेंथ ब्रैकेट प्लस हाइट लेंथ। इसका फॉर्मूला 2 × length breadth is 8 × 4 plus breadth height is 4 × 4 plus height length is 4 × 8, ये आ जाएगा 2 × 32 plus 16 plus again 32,
given that 64 plus 16 18 plus 2, which is equal to 160 centimeters square. इसका जो cuboid है उसको volume, sorry उसका surface area आ जाएगा. ये हो गया इसका first question. Question number 2 देखो. Next क्या दिया गया है? Vessel in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. Hollow hemisphere के ऊपर एक hollow cylinder mount कर रहे हैं shape में ये vessel है. Again, diameter of the hemisphere 14 और total height of the vessel कितनी 13 है. Inner surface area of the vessel find करना है. इस vessel की inner surface area find करना है. देखो यहाँ पे इस शेप पे वेसल है, नीचे से हेमिस्फेरिकल शेप है और ऊपर से इसकी सिलेंड्रिकल शेप. हेमिस्फेरिकल शेप और ऊपर से इसकी ये जो इस शेप पे वेसल है. इस शेप में वेसल है, ऊपर से सिलेंड्रिकल शेप, नीचे से हेमिस्फेरिकल शेप. फिर उसके बाद डायमीटर ऑफ द वेसल कितना? 14 सेंटीमीटर हाइट है वेसल. टोटल डायमीटर इसका 14 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है और हाइट इसकी कितनी है? 13 सेंटीमीटर इसकी हाइट है. और डायमीटर 14 है इसका मतलब रेडियस 6 बराबर आएगा. रेडियस कितना आएगा इसका? 7 सेंटीमीटर. इसका रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर 7 होगा और सेंटर का रेडियस भी 7 होगा. इसी के ऊपर माउंट कर रहे हैं, दोनों का रेडियस सेम आएगा. इसका मतलब रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड इसी की हाइट काउंट होगा. इसको इस तरह से रखें तो इसका रेडियस की हाइट आ जाएगी. पिच हाइट ऑफ द टोटल हाइट कितनी थी? 13. हाइट ऑफ सेंटिकल पार्ट कितनी आएगी? 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ये होगी हाइट ऑफ द सेंडिंग पार्ट. इसका टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड किया था वेसल में, सॉरी इनर सरफेस एरिया. इनर सरफेस एरिया किसके बराबर आएगा? इनर सरफेस एरिया किसके बराबर होगा? अंदर वाला सरफेस में गर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस गर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. इन दोनों को सम आएगा इसका सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया. क्वेश्चन नंबर 2 देखो. इसके दो अलग अलग पार्ट्स हैं, दोनों अलग अलग पार्ट्स हम अलग से निकालते हैं सीएस से. पहले मैं लेता हूँ हेमिस्फेरिकल पार्ट. हेमिस्फेरिकल पार्ट लेते हैं हम. हेमिस्फेरिकल पार्ट में क्या है? सबसे पहले हाइट एच किसके बराबर है? सॉरी हेमिस्फेरिकल हाइट की रेडियस, रेडियस ऑफ बेस आर किसके बराबर दिया गया है? इज इक्वल टू 14 अपॉन 2 सेंटीमीटर. डायमीटर 14 इसका हाफ रेडियस दैट इज 7 सेंटीमीटर, व्हिच इज दैट इज सीएस. और सरफेस एरिया किसके बराबर आएगा? क्या होता है हेमिस्फीयर का? 2 पाई आर स्क्वायर, व्हिच इज इक्वल टू 2 पाई. ऐसे पाई को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे. आर स्क्वायर इज आएगा 7 का स्क्वायर. 7 स्क्वायर इज 49. 49 इनटू 2 98 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकला हमारे पास सीएस या हेमिस्फीयर पार्ट. उसके बाद आप लोग सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल पार्ट. सेंट्रल पार्ट में रेडियस तो सेम है, रेडियस ऑफ द बेस, बेस आर से नोट करो. इसके अलावा रेडियस ऑफ द बेस इज इक्वल टू 14 अपॉन 2 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ द बेस है. तो उसके बाद रेडियस ऑफ द बेस 7 सेंटीमीटर, हाइट किसके बराबर आ जाएगी? हाइट ऑफ इसी का हाइट किसके बराबर आएगी? इज इक्वल टू टोटल वेसल की 13 थी, इसमें से ये 7 सेंटीमीटर का रेडियस माइनस करें तो पीछे कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर इसकी हाइट. तो इसका सी एस ए किसके बराबर आएगा? इज इक्वल टू 2 पाई आर एच. इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला, व्हिच इज इक्वल टू 2 इंटू पाई एस ए
और किस बार में लिखूंगा सेवन पावर इसका सिक्स सेवन सिक्स फोर ट्वेंटी टू एटी फोर एटी फोर पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर ये निकला हमारे पास सी एस सी का सेंटीमीटर क्वार्टर कितने फोर हमने क्या फाइंड करना है इनर सरफेस एरिया तो वैसे यार फोर इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सी एस ए आप हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस सी एस ए आप सेंट्रल पार्ट सी एस ए आप हेमिस्फेरिकल प्लस सी एस ए आप सेंट्रल नॉन में कवर सकते सीरियल सी एस ए आप हेमिस्फेरिकल कितना है 98 पाई और ये कितना है 84 पाई which is equal to 98 और 84 इन दोनों का सम क्या है 84 पर लगा 12 to इधर क्या है 1 9 8 plus 17 plus 1 82 182 pi which is equal to 182 into 22 upon 7 इसके बाद आएगा 7 से इसको 7 goes on 14 4 6 26 into 22 इसको multiply करें कितना आता है 26 26 22 52 7 572 सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकला इसका इन द सरफेस एरिया इसी का रेट क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद सॉल्व करोगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल कंप्लीट करेंगे।